सिंगरौली की एनसीएल कॉलोनी जयंत में उस समय हड़कंप मच गया जब जयंत चौकी में पदस्थ पुलिस सब इंस्पेक्टर और एनसीएल सिक्योरिटी ऑफिसर के बीच मारपीट हो गई। पुलिस अधिकारी अवैध रूप से मकान पर कब्जा कर रह रहे थे, इसी मसले को लेकर यह विवाद हुआ। जैन चौकी में पदस्थ पुलिस सब इंस्पेक्टर और एनसीएल सिक्योरिटी ऑफिसर के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों मारपीट पर उतारू हो गए। एनसीएल जयंत कॉलोनी में सब इंस्पेक्टर मुनीन्द्र पांडे एनसीएल के एक आवास को बिना अधिकारियों की अनुमति के कब्जा कर रह रहे थे, लेकिन एनसीएल के सिक्योरिटी ने वहां आकर उनसे आवास को खाली करने का आदेश दिया। तब सब इंस्पेक्टर मुनीन्द्र पांडे आवास खाली नहीं करना चाह रहे थे। इसी बात को लेकर काफी समय हंगामा होता रहा। मामले को तूल पकड़ने के बाद सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने सब इंस्पेक्टर मुनीन्द्र पांडे को लाइन अटैच करते हुए जांच का आदेश सीएसपी देवेश पाठक को दिए। आपको बता दें कि एनसीएल आवास में कब्जे की यह कोई पहली घटना नहीं है। सिक्योरिटी से जुड़े अधिकारियों और एनसीएल के निचले स्तर के कर्मचारियों से मिलीभगत करके इसी तरह से एनसीएल के आवास पर कब्जा होता रहा है और जब बात वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचती है तो खाली कराने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें आए दिन ऐसे ही विवाद होते रहते हैं। इस विवाद के बाद भी एनसीएल के अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। देखिए, जैन चौकी में पूर्व में पदस्थ एएसआई मुनीन्द्र देव पांडे, इनके द्वारा एनसीएल के एक आवास में बिना प्राधिकृत अधिकारियों से अनुमति प्राप्त किए हुए, बिना क्वार्टर अपने नाम अलाट कराए हुए जबरदस्ती किसी क्वार्टर में घुसने की कार्यवाही की गई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।